नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और आज हम पढ़ेंगे समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.2 और उसके करेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 4 और 5। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इससे पहले भी हम समरूपता अध्याय से संबंधित वीडियो ला चुके हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर यानी जो वीडियो आपके लिए होने वाली है वो वीडियो हमारी पिछली वीडियो यानी कौन सी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। दोस्तों वो वीडियो आप पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर यानी वो वीडियो अगर पूरा देख लिया है तो आपको 11.2 प्रश्नमाला में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उसके प्रश्न वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर सीई। मतलब दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, उस पर बिंदु डी और ई लगे हुए हैं और वे दो बिंदु ऐसे लगे हुए हैं कि उसमें बीडी और सीई दोनों कैसे हैं बराबर। आगे लिखा यदि कोण बी बराबर कोण सी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बात है वो ध्यान से समझिएगा। कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी इस त्रिभुज का एक कोण है, सी ये भी एक कोण है और दोनों कोण बराबर हो गए। दोस्तों जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उन त्रिभुजों को हमेशा ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि उसमें दो कोण यदि बराबर है, मान लीजिए ये बी वाला कोण है और ये सी वाला कोण है, ये रह गया ऊपर ए। चलिए इसमें ये दोनों कोण कैसे है दोस्तों बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने ये सुना था कि दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु कहते हैं, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो भी समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है और उसमें यह तय है कि जो कोण बराबर होते हैं उन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती है। दोस्तों जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उन्हीं कोणों के सामने वाली जो भुजा होती है वो दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती है, मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। चलिए प्रश्न में क्या क्या दिया गया है पहले वो लिख देते हैं कि भाई दिया गया हमें यह है कि सबसे पहले हमें दिया गया एक त्रिभुज कि भाई त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में कि एबी और एसी भुजाओं पर दो ये जो भुजाएं हैं ना इन भुजाओं पर क्रमशः डी व ई इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। अब कैसे किस प्रकार से स्थित है वो लिखते हैं कि भाई इसमें ये जो बी डी बनेगा और एक इसमें जो सी ई बनेगा वो कैसा हो जाएगा बराबर। चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है, पहले डी और ई लगाते हैं। ये डी और ई ए बी और ए सी भुजा पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ स्थित है ये अपना डी और यहाँ पे स्थित है ये अपना ई और ये लगते ही क्या हो गया बी डी और सी ई बराबर। यानी बी से लेकर डी तक का ये टुकड़ा, सी से लेकर ई तक का ये टुकड़ा दोनों कैसे है बराबर, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। चलिए एक और आगे बात दे दी कि कौन बी बराबर कौन सी, ये भी प्रश्न में दिया गया है तो हमें सिद्ध क्या करना है। चलिए सिद्ध करना है आपको कि डी ई समांतर बी सी। दोस्तों ये 11.2 जो हम दो प्रश्नमाला पढ़ रहे हैं इस 11.2 में आप ये बात तय कर लें कि जब भी इसमें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली जो ये बिंदु अलग लगे ना अगर इनको आपस में मिला दिया जाए, यानी यहाँ पे देखो लिखा ना डी ई दोनों को मिलाएंगे तो ही डी ई बनेगा, डी ई समांतर बी सी यानी ये रहा नीचे बी सी यानी कौन बी सी कौन है इस त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा इसके समांतर है या नहीं। जब भी दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आ जाए जिसमें त्रिभुज की एक भुजा और ये जो है वो अन्य दो भुजाओं को काटने वाली रेखा यदि वो पहले से समांतर है तो वहाँ थेल्स प्रमेय लगेगा, अगर वो पहले से समांतर नहीं है, ध्यान रखिए दोस्तों वो पहले से अगर समांतर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब ये दोनों समांतर है पहले से तो थेल्स प्रमेय लग गया, नहीं है तो वहां पे ये तय है कि हमें समांतर ज्ञात करना है या सिद्ध करना है यानी थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। लेकिन पहले जो दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं भाई कैसे है। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी है तो
क्या कह सकते हैं कि अगर कोण बी और कोण सी बराबर है तो कोण बी के सामने वाली भुजा, कोण बी के सामने वाली भुजा कौन? एसी। कोण सी के सामने वाली भुजा कौन? ए बी। और दोनों ही क्या हो जाएगी? बराबर। ए बी बराबर ए सी, ये इसकी वजह से कोण बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर। कारण लिखेंगे समान कोणों के या समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ध्यान रखें हमेशा किसी त्रिभुज के अंदर यदि कोण समान है तो जो सम्मुख भुजाएं जो होगी वो भी समान होगी। चलिए ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। एक और बात याद देखिए, बी डी बराबर सी ई। यहां देखिए बी डी बराबर सी ई, इसमें हमने क्या देखा बी डी बराबर सी ई में कि सर ये दोनों भी बराबर है। क्यों दिए दोनों बराबर है भाई? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। अगर हम इसमें से ये घटा देते हैं, चलिए देखिए ये रहा कौन ए बी और ये कौन रहा बी डी। अगर मैं इस ए बी में से बी डी को घटा दूं क्या बचेगा? ए डी। वापिस ए सी में से ये ई सी या सी ई घटा दूं तो क्या बच जाएगा? ए ई। तो घटाते हैं हम, तो लिखते हैं घटाने पर, चलिए घटाते हैं, ए बी माइनस बी डी बराबर ए सी माइनस सी ई। चलिए क्या आता है, ए बी में से ये हमने बी डी नीचे वाला टुकड़ा घटा दिया तो बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? ए डी। चलिए बराबर। फिर आते हैं ए सी में से ये सी ई घटा दिया, क्या बच गया? ए ई। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सर घटाने के बाद ऐसा किया ही क्यों, घटाया क्यों? क्योंकि देखिए हमें ये क्या करना है कि काटने वाली रेखा इसके समांतर है या नहीं, कब होती है समांतर? तो हमने पढ़ा था एक तो थेल्स प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय का विलोम। जब भी पहले से समांतर हो तो थेल्स प्रमेय, अगर हमें समांतर ज्ञात करना है, समांतर सिद्ध करना है, यानी थेल्स प्रमेय का क्या लगेगा? विलोम। और विलोम का प्रयोग कब होगा? जब इस तरफ का अनुपात और इस तरफ का अनुपात क्या होगा? समान, तब ये थेल्स प्रमेय बनेगा। अब लगाते देखिए, ये बी डी बराबर सी प्रश्न में दिया गया था, इसे लगा दे समीकरण नंबर एक, और ये जो टुकड़ा आया अभी ये लगा दे समीकरण नंबर दो। अब टुकड़े कर दिए हैं कि इस भुजा के भी दो अलग अलग टुकड़े हो गए, इस भुजा के भी दो अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन इनको यानी इस रेखा को इस भुजा के समांतर होने के लिए ये अनुपात इसमें इस भुजा के जो टुकड़े होंगे उसका अनुपात और इसमें जो अनुपात बनेगा वो बराबर होना चाहिए। चले करते हैं अनुपात। सबसे पहले कौन सी भुजा ले ली हमने? हमने इस तरफ वाली भुजा ले ली, भुजा ए बी, या भुजा ए बी पे बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि भाई भुजा ए बी पे क्या बनेगा? ए डी, फिर बट्टे ये क्या है बी डी या डी बी, जो भी हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ बी डी लिखा है ना, इसलिए हमने इसका नाम बी डी लिख दिया। ये अनुपात बढ़ाया, हमारे पास इनके कोई मान नहीं, कोई मान नहीं है ना। अगर मान नहीं है तो इसको छोड़ दो, या इसको वैसे का वैसा ए डी बट्टे बी डी लिख के समीकरण नंबर लगाओ इसको, या दो नंबर है ना, या इसको तीन नंबर लगा देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए ये भुजा ए बी पर था, अब करते हैं दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कौन सी है? ए सी। तो भुजा ए सी ले ली और यहाँ बनाते हैं अनुपात, क्या बनेगा यहाँ पे? ए ई बट्टे सी ई। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने कुछ देखा नहीं है कि भाई ए डी बट्टे बी डी इसमें था, कोई मान नहीं था, मान रखा ही नहीं, छोड़ दिया इसको। यहाँ आए ए ई बट्टे सी ई, ये हमने रख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये तो ए डी बट्टे बी डी, ये ए ई बट्टे सी ई किसी भी प्रकार से समान दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे ऊपर जाइए, समीकरण नंबर दो में जाइए, समीकरण नंबर एक में जाइए, वहां हमने क्या देखा? हमने ये देखा समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो में कि ये जो ए ई है, ये रहा देखो ए ई, ये ए ई किसके बराबर है? कि ए ई सर ए डी के बराबर है। ये चलिए हमने ए ई का मान रख दिया, ए ई ए डी के बराबर है ना, तो ए ई के बराबर में ए डी होने के कारण ए ई को हटा के वहां पे ए डी लिख दिया। समीकरण नंबर एक में जाइए, ये क्या पड़ा है? सी ई, ये रहा सी ई, सी ई किसके बराबर? बी डी के, तो सी ई को हटाकर उसके स्थापन में बी डी लिख दिया, ये लिख दिया बी डी, इसको लगाया नंबर चार। हमने क्या देखा कि सर भुजा ए बी पे जो अनुपात बना वो ए डी बट्टे बी डी। समीकरण नंबर चार में क्या देखा कि एसी भुजा के जो दो टुकड़े हो गए उनका जो अनुपात है वो भी क्या बना? ए डी बट्टे बी डी। ये भी ए डी बट्टे बी डी, ये भी ए डी बट्टा बी डी। तो क्या लिखेंगे कि भाई अतः अतः हमने क्या लिखेंगे कि इसमें ए डी बट्टे क्या बन गया? बी डी। यहां जो अनुपात बना वो भी ए डी बट्टे बी डी के बराबर ही है, यानी ए डी बट्टे बी डी के बराबर कौन? ए ई बट्टे सी ई। ये दोनों बराबर हो गए, यानी यहां का अनुपात और यहां का अनुपात समान हो गया। लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, ध्यान रखें दोस्तों, थेल्स
परमेय के विलोम से। जैसे ही विलोम का प्रयोग करेंगे, विलोम का प्रयोग करते ही क्या होगा कि वो काटने वाली जो रेखा है DE वो समांतर हो जाएगी किसके, BC के। तो इस प्रकार से हमने ये अपना प्रश्न पहला है, सॉरी चौथा प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पांचवें प्रश्न में दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया है देखिए कि सबसे पहले चित्र है 11.17 में एक आकृति दी गई है और उसमें क्या क्या दिया गया है आकृति के अंदर कि DE समांतर BC, DE और BC आपस में समांतर है और एक CD और ये जो EF है वो भी आपस में समांतर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और तो कुछ दिया गया है नहीं और सीधा हमें लिखा है कि भाई सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है दोस्तों कि AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AF, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि भाई प्रश्न में दिया गया DE समांतर BC, केवल इन दोनों को देखो एक बार, केवल इन दोनों को, फिर इसको देखेंगे। पहले इनको देखते हैं क्या है भाई। DE कहाँ पे देखिए, DE ये रहा DE, तो कुछ भी नहीं, हमने पहले ही बता दिया आपको कि भाई थेल्सु भैया का थेल्स प्रमेय याद कर लो सबसे पहले, और कुछ नहीं करना है। DE समांतर किसके, BC के, ये रहा BC। तो हमने क्या देखा कि भाई इसमें ये जो BC है इसको तो कोई नहीं काट रहा, लेकिन ये जो DE है इसको खुद को तो कोई नहीं काट रहा है, लेकिन इस तरफ ये जो D लगा है वो इस भुजा को काट रहा है, किसको, AB को। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे वापस BC की तरफ, यहां पे नीचे वो तो किसी को काट नहीं रहा है। ये E बिंदु, इस D का ये E लिखा ना DE, इसमें E ये दूसरा जो बिंदु है वो किसको काट रहा है, वो काट रहा है AC को। कुछ भी नहीं करना है, देखिए ये जो BC है, ये BC पड़ा है, इस B से और C से ऐसी भुजाएं देखो, वैसे देखो यहां से ये भी निकल रही है ना, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी देखो भुजा जिसमें D और E अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अगर मैं केवल इसको देखूंगा तो दोनों ही जाकर कहां मिल रही है, D पर, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि एक भुजा के समांतर, लेकिन जो समांतर है वो उसी भुजा से चढ़ने वाली या उतरने वाली जो भुजाएं है उसको काटनी चाहिए, वो भुजाएं आपस में मिलनी चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज बना, हमने क्या देखा कि त्रिभुज बन गया ABC। ध्यान रखें दोस्तों, त्रिभुज ABC बना है यहां पे, देखिए कैसे, ये रहा ABC, इस ABC के अंदर हमें ये जो अंदर लाइन है ना, ये इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं, ये जो लाइन है इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, दोनों को, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो और केवल त्रिभुज ABC को देखिए, उसमें ये DE अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है और काटते हुए वो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है। तो लिख देते हैं DE समांतर BC, और जैसे ही हमने ये देखा सीधा थेल्सु भैया का थेल्स प्रमेय लगा दो भैया थेल्स प्रमेय, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हमें ये बताया कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो भुजा यानी वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। कौन सा अनुपात बना, इस तरफ देखिए ये डी बिंदु पर काट रहा है यानी ए से लेकर डी तक का टुकड़ा, वापस डी से लेकर बी तक का टुकड़ा लिख देंगे। चलिए लिखा AD बट्टे हो गया BD, कोई दिक्कत नहीं, ए से डी तक, वापस बी से डी तक टुकड़ा लिख दिया AD बट्टे BD, और इस तरफ आते हैं तो AE बट्टे CE ये भी लिख देते हैं। चलिए AE बट्टे CE ये हमने ज्ञात कर दिया और इसे लगाया समीकरण नंबर 1। कुछ भी नहीं करना है क्योंकि थेल्स प्रमेय की समाप्ति यहीं पे होती है, समांतर देखा फिर अनुपात समान, ये हो गया अपना क्लियर। फिर क्या देखते हैं, दूसरा भी एक और त्रिभुज होगा, क्यों होगा दूसरा त्रिभुज, यहां देखिए CD समांतर EF, CD और EF को देखते हैं। अब कहां पे CD, देखिए ये रहा CD, ये रहा फिर ये EF, तो हम देख सकते हैं हमें तो केवल ये बताना है कि इसमें से त्रिभुज की भुजा कौन सी और काटने वाली रेखा कौन सी। चलिए हमने क्या देखा, ये रहा CD, ये हमें थोड़ी बड़ी लग रही है देखिए, और ये क्या है EF, थोड़ी कैसी लग रही है छोटी, तो जो छोटी लगे समझ लो कि वो त्रिभुज की भुजा नहीं है, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा है, जो बड़ी है वही त्रिभुज की भुजा माननी है। चलिए हमने इस त्रिभुज की भुजा मान लिया और इससे शुरुआत करके हमें काटने वाली जो रेखा है ना, कोने काटने वाला EF छोटी है ना, उसे ही मानेंगे काटने वाली रेखा, उस तरफ जाना है दोनों से, तो दोनों बिंदुओं से हम उस तरफ जाएंगे। ये देखो यहां पे ये इसको E को काट रहा है, यहां E पे और यहां F पे काट रहा है, उसे बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाएं और त्रिभुज का निर्माण
निर्माण करें। तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, ए फिर डी फिर सी और फिर वापस जाएंगे ए तक, हमें त्रिभुज सही लेना है बस। तो त्रिभुज ये हो गया ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी के अंदर कौन, ये डी सी और ये ई एफ क्या है, समांतर। तो सी डी समांतर ई एफ ये प्रश्न में दिया गया था, हमने लिख दिया। तो यहां पे भी क्या लगेगा, थर्सपर में जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर दिखे वहां सीधा आप थेल्स प्रमेय लगा दो। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि वो रेखा जो काट रही है उस तरफ के जो टुकड़े हैं वो समान हो जाएंगे, समान अनुपात के हो जाएंगे। सॉरी, तो टुकड़ा क्या बना यहां पे, यहां बना ए एफ बट्टे ये क्या बना डी एफ या एफ डी कह सकते हैं, चलिए हमने लिख दिया इसको डी एफ। इस तरह बताते हैं ए ई बट्टे सी ई, तो ये ए ई बट्टे सी ई लगाते हैं समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों में हमने क्या देखा दोस्तों कि यहां पे देखिए ए ई बट्टे सी ई, यहां पे भी ए ई बट्टे सी ई, यानी अगर मैं समीकरण एक और समीकरण दो को मैं अगर देखता हूं तो इन दोनों में ये चीज कॉमन है, ए ई बट्टे सी ई, ए ई बट्टे सी ई दोनों में है ना बराबर। अगर ये दोनों में बराबर है मतलब इनके सामने जो लिखे हुए मान है वो भी कैसे बराबर, तो चलिए लिख देते हैं ए डी बट्टे बी डी बराबर ये हो जाएगा ए एफ बट्टे डी एफ, कोई दिक्कत नहीं आई, ये दोनों क्या हो गए समान। इतना होने के बाद में कुछ भी नहीं किया हमने, इसको देखा थेल्स प्रमेय, इसको देखा वहां पे भी थेल्स प्रमेय, दोनों में जो कॉमन चीज थी वो रख दी, मतलब इनके अलावा और तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब इन दोनों के प्रमेय से जो हमें अनुपात प्राप्त हुए उन दोनों को मिला के देखा, समानता देखी, हमें एक नया अनुपात मिल गया। अब यही जो नया अनुपात है यही हमें आगे वाला प्रश्न है वो सिद्ध करके देगा, क्योंकि ये सिद्ध करके क्यों देगा, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई और प्रश्न में चीज दी नहीं गई है, ये दो ही चीज थी दोनों हमने कर दी, अब इनसे ही हमें ये ज्ञात करना है चाहे कैसे भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज है जो हमारे जरूरत की है, कौन कौन सी चीज है जो हमारे जरूरत की नहीं है। चलिए ये एडी, ये रहा एडी, यहां हमें जरूरत है सिद्ध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए बट्टा में क्या आया, क्यों ये हम ला चुके हैं, ये तो अभी तक लाए थोड़ी है, ये तो हम ला चुके हैं ना, जो ला चुके हैं उसमें देखो जरूरत की कौन सी, बिना जरूरत की कौन सी, एडी ये एडी की जरूरत हमें है, एएफ हमें एएफ की जरूरत है, बीडी यहाँ पे देखिए कहीं पे भी बीडी की जरूरत नहीं। और हमने आपको एक बताया था कि जिस अनुपात के अंदर आपको जिस चीज की जरूरत नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है ना, मतलब डीएफ की भी जरूरत नहीं, या बट्टा के नीचे वाले की जरूरत नहीं है तो डीएफ की जरूरत भी नहीं है। तो बिना जरूरत वाली चीज को पहले ऊपर ले जाओ, कुछ भी मत करो, आपको केवल ये काम करना है कि जो बिना जरूरत की जो चीज है उसे ऊपर ले जाओ और जो ऊपर बच गया उसे नीचे ले जाओ, पहले बिना जरूरत वाली चीज को ऊपर लाओ। अगर पहले से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो पहले उसको ऊपर लेके जाओ। और फिर छोटा सा एक काम करो कि हम इस बीडी को जरूरत वाली चीज में कौन सी चीज में बदल सकते हैं, ये बीडी कहां पे देखिए, ये रहा बीडी, इस आप बीडी को आप जरूरत वाली चीज में यानी किस में बदल सकते हैं वो देखो। हम इस बीडी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अगर मैं इस बीडी को, यहां पे बीडी है ना, तो ये क्या है, हमें खुद को दिख रहा है ये क्या है, भुजा का एक टुकड़ा है, और जो टुकड़ा है वो हमेशा छोटा होता है, और छोटी चीज को हम वापस बड़ी कर सकते हैं, यानी इस बीडी को हम ये नहीं कर सकते कि भाई बीडी है इसको ये टुकड़ा बना सकते हैं, ये नहीं कर सकते दोस्तों, इस बीडी को हम बड़ा जरूर कर सकते हैं। जैसे ही बीडी को बड़ा करेंगे वो क्या बन जाएगा, ए बी, और ए बी की हमें यहां जरूरत है या नहीं है ना। तो दोस्तों ये बिना जरूरत की जो चीज है उसे हमें बड़ी करनी पड़ेगी। तो हमने प्रमेय में कर दिया था, क्या कर दिया था कि जब भी किसी अनुपात में टुकड़े को बड़ा करना हो तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, और जब बड़ी चीज हो और छोटी करनी हो तो दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं उसे ऊपर ले जाइए, बाद में ये काम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब बी डी बट्टे ए डी प्लस एक, फिर आते हैं बराबर में, बराबर में क्या है डी एफ और बट्टा में क्या है ए एफ, प्लस करते हैं एक। चलिए प्लस एक करने के लिए वही भिन्न के साथ संख्या हो, नीचे वाली को इससे गुणा करो वो साथ में आ जाएगा, ऊपर बी डी तो है ही, प्लस ये ए डी को गुणा कर दिया, ए डी एकम ए डी बट्टा में अब पूरे के नीचे जो पहले था वही पूरे के नीचे लिखेंगे। चलिए ऊपर देखिए डी एफ तो पड़ा है, ए एफ को गुणा करेंगे एक से वो साथ में आ जाएगा प्लस, तो ए एफ एकम ए एफ और बट्टा में ए एफ तो पड़ा है ही। चलिए ऊपर की जोड़ करते हैं, ऊपर क्या है देखिए बी डी प्लस ए डी, यहां देखिए ये रहा बी डी,
प्लस ऊपर वाला AD, जैसे ही प्लस किया क्या बन गया AB, चलिए इसको AB बना देते हैं और बट्टा में क्या बन गया AD का AD बराबर। उस तरफ भी जोड़ हो रही है DF और AF, ये रहा DF, फिर प्लस में क्या है ये रहा AF, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जुड़ रहा है ना, ये दोनों जैसे ही जुड़ेंगे ये भी पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा AD, चलिए इसकी जगह पे आ गया AD और बट्टा में AF अकेला है ही। अब ये जो हो गया है देखिए कि भाई जो सिद्ध करना था वो आया या नहीं आया, AD की जरूरत है, AD यहां पे आ चुके हैं, दो बार आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, AB की जरूरत है AB आ गया, AF की जरूरत है AF आ गया, अब हमारे यहाँ पास यहाँ पे बिना जरूरत की एक भी चीज नहीं है तो हमारा काम शेष रह गया, वो रह गया वज्र गुणन कर दें, यानी तिरछा गुणा, तिरछा गुणा किया AD को AD से, क्या बन जाएगा AD स्क्वायर बराबर, AB को AF से करेंगे AB इंटू AF, क्योंकि वज्र गुणन करने पर क्या होता है कि जैसे ही आप इस प्रकार से तिरछा गुणा करोगे एक गुणा बराबर के आगे आएगा तो दूसरा गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये नहीं है कि दोनों गुणा इस तरफ लिख दिए, नहीं लिख सकते, तिरछा गुणा में एक गुणा पहले एक गुणा बाद में, बीच में बराबर तो है ही, तो जो सिद्ध करना था वैसी ही चीज हमें प्राप्त हो चुकी है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव इति सिद्धम। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।